मुंबई महानगर की धन्य धरा को अपने चरण रज से पावन बना रहे जैन सितंबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशास्ता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण सोमवार को अपनी धवल सेना के संग दो दिवसीय प्रवास हेतु मलाड पधारे। मलाड वासियों ने अपने आराध्य का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। भव्य स्वागत जुलूस के मध्य गतिमान आचार्य श्री जन जन पर आशीष वृष्टि कर रहे थे। 20 वर्षों बाद अपने आराध्य को अपने आंगन में पाकर मलाडवासी पुलकित नजर आ रहे थे। इस पर देखिए मुंबई से अनिल परमार की ये विशेष रिपोर्ट। नागरिक अभिनंदन समारोह सहित त्रिदिवसीय प्रवास सुसंपन्न कर आचार्य श्री महाश्रमण प्रातः की मंगल वेला में मलाड के लिए गतिमान हुए तो गोरेगांव की जनता ने पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। सड़क मार्ग व रेल मार्ग से भागती दौड़ती आम जनता को शांति, सौहार्द, संतोष, प्रेम, सद्भाव, नैतिकता और नशा मुक्ति रूपी सन्मार्ग दिखाते हुए आचार्य श्री अपनी अनवरत यात्रा का कुशल नेतृत्व करते हुए गतिमान थे। मार्ग में स्थान स्थान पर खड़े श्रद्धालुओं को आशीष प्रदान करते हुए आचार्य श्री मलाड में पधारे। मलाड में महिलाएं पारंपरिक गणवेश में जैन ध्वज लेकर अपने गुरु के प्रति जय घोष के नारे लगाते दिखी। मलाड में आचार्य श्री शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल में पधारे आचार्य श्री ने स्कूल के विद्यार्थियों को अनवरत के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान किया। मलाड जैन समाज के लोगों ने भव्य रैली के साथ पूज्य प्रवर का भव्य स्वागत किया। जगह जगह पर अपने आराध्य गुरुदेव की एक झलक पाने को बेताब श्रद्धालुओं का हुजूम। जगह जगह आचार्य श्री के भव्य स्वागत में मनमोहक झांकियों का यह नजारा मन मोहित कर दिया। मुंबई की व्यस्त सड़कों पर लोगों के हुजूम के साथ अपनी धवल सेना के संग विहार करते आचार्य श्री प्रवास स्थल के निकट स्थित स्वामीनारायण मंदिर परिसर में पहुंचे। आचार्य श्री ने अनुवर्त समवसरण में उपस्थित विराट जनता को पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए कहा कि आदमी के जीवन में कर्तव्य बोध और उसके पालन का बहुत महत्व होता है। जो आदमी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह होता है वह अच्छी बात नहीं है। कार्य छोटा हो या बड़ा, आदमी को करने का मानस होना चाहिए। कार्य करने वाला आदमी ही बड़ा होता है। आचार्य श्री ने आगे कहा कि जिसका जो कर्तव्य होता है वह उससे च्युत हो जाता है, उसके प्रति लापरवाह रहता है, तो वह एक सामान्यतया दुनिया में अच्छी बात नहीं होती है। कर्तव्य का पालन तब होने की बात अच्छी हो सकती है, पहले कर्तव्य का ज्ञान हो, कर्तव्य का बोध हो कि मेरा क्या कर्तव्य है। कर्तव्य अलग अलग हो सकता है, किसी का बड़े कार्य का कर्तव्य हो सकता है, किसी का लोक भाषा में छोटे कार्य का कर्तव्य हो सकता है। काम छोटा है या बड़ा यह तो दो गौण बात है, पर काम करना, काम करने के प्रति रुझान होना वो खास बात होती है। कोई यह सोचे यह तो छोटा काम है, मैं क्यों करूं, छोटा काम है, छोटा काम है, तो कार्य का ठीक है, एक व्यवहार में छोटा बड़ा भी परिभाषित रूप हो सकता है, पर काम छोटा हो या बड़ा, काम करने वाला बड़ा हो सकता है, अच्छा काम करने वाला बड़ा हो सकता है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।